अंजलि जी है, आज आपके बीच में इतनी शानदार इतनी जानदार सेशन चलेगा मेरे दोस्त कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, प्रमोशन का धमाल मचने वाला है, धमाल होगा धमाल। नए साल में लेवलों का और चेक का भरमार होगा, इसलिए तैयार रहिए तैयार रहिए। हमारे ओम सर बीच में आ चुके हैं। ओम सर, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट सर की इंतजार में कुछ बोला जाए आपके जुबान से। ओम सर, थैंक यू सर, थैंक यू, कंटिन्यू सर। दोस्तों आज बहुत खुशी की बात है कि 2023 एक साल लगभग लगभग खत्म हो चुका है और हमारे जीवन में 2023 में भी कुछ टाइम बचा हुआ है और इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करने के लिए, बहुत अच्छे से इस टाइम में काम करने के लिए हम सभी के ग्रेट अपलाइन ना जाने कितने लोगों को आज सर की वजह से, आज सर की बातों को सुनने की वजह से, सर की बातों को सुनकर काम करने की वजह से आज दोस्तों बहुत सारे लोग अपने ड्रीम बाइक, ड्रीम कार और ड्रीम हाउस में रहते हैं और आरएचआई के अंदर बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो दोस्तों आज हम सभी के ग्रेट अपलाइन, आज अपलाइन ही नहीं बल्कि दोस्तों भगवान के रूप में है जिनकी वजह से आज बहुत सारे घर में चूल्हा जल पा रहा है और अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रियाज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का वेलकम किया जाए सर, क्योंकि काफी देर से सभी लोग बैठे हैं सर की बात को सुनने के लिए। सर तो मैं आप सभी की तरफ से, रियाज सर की तरफ से, अपने सभी ग्रेट अपलाइन की तरफ से सर को इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम हम सभी के ग्रेट अपलाइन, प्लीज वेलकम सर। और दोस्तों इस डिजिटल दुनिया के इस डिजिटल जूम आईडी पे हम सर को सम्मान देने के लिए एक छोटा सा आप सभी के तरफ से गुलदस्ता है। तो दोस्तों एक बार ताली होना चाहिए सर के लिए, क्योंकि सर को हम कुछ दे नहीं सकते लेकिन इस डिजिटल के माध्यम से एक छोटा सा गुलदस्ता जरूर हम दे सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों ऑफलाइन सर के लिए, क्या बात है। दोस्तों आज आप सभी के तरफ से मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज कुछ ऐसी खास बात बताएं कि हमारे जूम पे जितने भाई बहनें जुड़ी हुई हैं 2024 में जब प्रवेश करें तो एक नई लेवल के साथ प्रवेश करें और एक नई उमंग के साथ प्रवेश करें। सो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू, वन मिनट। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आप सभी के सभी लोग इतना सम्मान दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सब लोग मस्त हैं जी? हाथ खड़ा करके मौजूदगी का एहसास दिलाएं, क्या बात है, हम सभी लोगों को देख पा रहे हैं। सभी लोग बहुत जबरदस्त, जितने भी लोग हैं ना सभी के सभी लोग वीडियो ऑन कर लें, हाँ जी, ताकि हम देख पाए सभी लोगों को। बहुत अच्छा लगा, पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को कि कहीं ना कहीं आप सभी के ग्रेट अपलाइन जितनी भी वीसी टीम है वो भी जुड़ी हुई है और साथ ही साथ ऑल इंडिया के जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, फ्रेंचाइजर सर भी आपके जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम अधिकांशतः लोगों को देख रहे हैं कि सभी के सभी लोग शांत जगह बैठे हैं। इससे यही साबित होता है साथियों कि आप कुछ करने वाले हैं,
आप जिंदगी में तरक्की करने वाले हैं, इसके लिए आप सभी के सभी लोग आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया, इसके लिए आप सभी लोगों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोग बनिया, आवाज जा रही है ओम बाबू? यस सर, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है सर। चलिए थैंक यू। चलिए साथियों, तो हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आप सभी लोगों से। एक बार अपने परवरदिगार के लिए, जिनको आप मानते हैं और जिनके वजह से आप कहीं ना कहीं रॉयल हेल्थ इंडिया को ज्वाइनिंग किए हैं, सबसे पहले अपने अपलाइन के लिए, सभी अपलाइंस के लिए, जिस भी रूम में है, जहां भी है, मीठे मीठे ताली से स्वागत करें। जिस भी रूम में है, जहां भी है, अपने अपने अपलाइंस के लिए मीठे ताली से स्वागत। अपने अपने मम्मी पापा के लिए हल्की मीठी ताली से स्वागत। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, अल्लाह खुदा, जिनको भी मानते हैं, भगवान को, परमपिता परमेश्वर को, उनके लिए ताली होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा ताली आप अपने आप के लिए बजाएं, क्योंकि अगर हम अपने आप पे फोकस करेंगे तो हम एक दिन बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे। तो एक बार अपने कामयाबी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। कहा जाता है कि आप जितने भी लोग हैं, सबसे पहले मैं फिर से एक ही बात बताना चाहूंगा कि हम लोग एक RHI के परिवार हैं, और आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि परिवार बहुत बड़ा होते चला जा रहा है, बहुत बेस्ट होते चले जा रहा है, साथ ही साथ बहुत लोग अचीवर बनते चले जा रहे हैं। और आज महीना के लास्ट में अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो सिर्फ आपकी तरक्की की बात करने वाले हैं। आज आप मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं तो इस व्यू से ना अटेंड करिएगा कि सर मेरा लेवल छोटा है, हम तो स्टार हैं, हम तो गोल्ड हैं, हम तो प्लेटिनम हैं, तो रूबी हैं। आज की मीटिंग आप इस व्यू से अटेंड करिए कि सर मैं एज ए डायमंड हूं और डायमंड की मीटिंग चल रही है। हेलो, जितने भी लोग हैं आज एक ही बात सोच के काम करिएगा और एक ही बात सोच के मीटिंग लीजिए कि मैं डायमंड हूं और डायमंड की मीटिंग चल रही है। क्योंकि जब तक आप सोच बड़ा नहीं करेंगे, फिर से सुन लीजिए, जब तक आप सोच बड़ा नहीं करेंगे तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी लोग स्टार बने, जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में आगे बढ़े, जितने भी लोग पॉलिटिक्स में आगे बढ़े, जितने भी लोग प्रशासनिक की दुनिया में आगे बढ़े, क्रिकेटर की दुनिया में आगे बढ़े, तो सब के सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप पे काम किया, अपने सोच को चेंज किया। आज यहाँ पे भी बहुत लोग ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने सोच को चेंज किया और आज वहां से हर स्टेज पे पहुंचा हुआ है। बहुत ऐसे लेडीज भी टीम है जो अपने सोच पे काम किया और आज फोर व्हीलर गाड़ी ले रहे हैं लोग। आज सोच पे काम किया लोग और आज महीना का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया कमा रहे हैं लोग। तो मेरी जो कहानी है कि सबसे पहले आज जो मीटिंग्स अटेंड करेंगे, अपने सोच को बड़ा करिए। क्योंकि कहा जाता है साथियों कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। और जहां आप कश्ती को बदलोगे ना तो किनारे भी बदल जाएंगे। तो आपका सबसे बड़ा जो रीजन है वो सोच है। आप जरूर अपने सोच को बड़ा करें। मैं ये बात इसलिए बोलता हूं कि आज हम लोग रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर जिस प्रकार हम लोग काम कर रहे हैं, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि बहुत सुनहरा मौका मिला है हम लोगों को आज इस रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा काम करने का मौका मिला है। आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से, लगभग लगभग लाखों से अब लोग हैं,
तो मेरा कहना यही है कि आज अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आज सबके सब अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे बातों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, आज आरएचआई के अंदर लेबल को डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो मेरा मेन मकसद एक ही है आप सभी लोगों से कि हम सब मिलकर आरएचआई कंपनी को एक बहुत बड़ी ब्रांड बनाएंगे। आज हम सब मिलके रॉयल हेल्थ इंडिया को उस ऊंचाई पे लेके जाएंगे जो कोई सोचा नहीं होगा। और कहानी यह है कि ये जाएगी कब, कहीं ना कहीं अगर कोई भी कंपनी हिट होगी कब, हिट होने का एक ही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अचीवर बने, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमाने वाले बने, ज्यादा से ज्यादा लोग चेक लेने वाले बने। तो आज अगर महीने के अंत में मैं आया हूं तो सिर्फ आपकी प्रमोशन के ऊपर बात करूंगा कि आप जितने भी लोग हैं प्रमोशन लिया जाए, जितने भी लोग हैं आज आप शांति से ना बैठे, अब प्रमोशन ले, दिन प्रतिदिन लेवल के पीछे भागे, लेवल के पीछे भागे, लेवल के पीछे भागे, लेवल के पीछे भागे, लेवल के पीछे भाग। मैं बार बार बोल रहा हूं आप सभी लोगों को, लेवल के पीछे भागना। इस दुनिया में वही लोग सक्सेस है, इस दुनिया में वही लोग आगे हैं, इस दुनिया में उसी लोगों को पूजा पाठ समझियो माना जा रहा है गुरु भगवान की तरह, जो लेवल को लिए। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आप जितने भी लोग हैं लेवल्स के पीछे भागिए, आप अपने आप में क्या सोच रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं, आप अपने आप को मुझे मालूम नहीं, आप अपने आप को क्या सोच रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं, आप अपने आप को क्या मान रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप जितने लोग मेरे मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप आने वाले टाइम के डायमंड हैं जी, आप आने वाले टाइम के आरएचआई का क्राउन है, आप आने वाले टाइम के आरएचआई का यूनिवर्सल है, आप आने वाले टाइम के कंपनी के ब्रांड हैं, आप इस देश के भविष्य हैं, आप इस देश के भविष्य हैं, आप अपने घर परिवार के अंबानी अडानी हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आज आप अपने घर में महीने का सिर्फ तो सिर्फ 1 लाख रुपया कमाइए, कितना जी, सिर्फ 1 लाख रुपया। मैं नहीं बोलता हूं कि आप 4 लाख कमाइए, 8 लाख कमाइए, 10 लाख कमाइए, नहीं, हम सिर्फ ये बोलता हूं कि आप इस कंपनी का एक छोटा सा लेवल है जिस लेवल का नाम है डायमंड। क्या है जी, सब लोग बोलिए, हम सुन लेंगे, एहसास हो जाएगा। अगर ये एक रिस्पॉन्स है, हमारी बात, आपकी बात हमारे पास आ रही है, आप एक लेवल्स को मानिए, वो लेवल्स क्या है जी, डायमंड। हेलो, ये डायमंड। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 2 लाख वाले लेवल पे जाएं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 4 पे जाएं, 8 पे जाएं, 18 पे जाएं, नहीं, 1 लाख वाले लेवल पे तो हम सबके सब जा सकते हैं जी। हेलो, मुझे 1000 करोड़ की मालिक नहीं बनना, मुझे 100 करोड़ की मालिक नहीं बनना, लेकिन 2-4-10 करोड़ के मालिक तो बन सकते हैं ना जी, बन सकते हैं ना। अगर 2-4-10 आएंगे तो एक दिन निश्चित होगा कि हमें 100 करोड़ भी आएंगे और 1000 भी आएंगे, लेकिन हम बड़ा मछली नहीं, हम छोटी मछली तो पकड़ सकते हैं ना, हम तो डायमंड बन सकते हैं ना। हम तो एक ही बात जानते हैं साथियों कि यहाँ पे बैठा हर इंसान अगर डायमंड बन गया
चाहे डायमंड बनने के लिए मरना पड़े, मिटना पड़े, पर्डे ट्रेनिंग जाना पड़े, अप्लायंस की बातों को मानना पड़े, अप्लायंस जो बोलता है वो मुझे करनी पड़े, वीसी टीम जो बोलती है मुझे करनी पड़े, फ्रेंचाइजी जो बोलती है करनी पड़े, आपके सीनियर अपलाइन जितने भी लोग हैं अगर जो लोग बोलते हैं, जैसे आपके मुकेश सर हो गए, नसीर सर हो गए, रियाज सर हो गए, सोनू सर हो गए, ओम सर हो गए, अगर इन लोगों की बातों को मानना पड़े, इनको जो करना पड़े, अगर एक बार करने के लिए तैयार हो गए और एक बार अगर डायमंड बन गए तो आप अपने खानदान का टाटा और बिरला और अडानी बन गए। आप अपने खानदान का टाटा बिरला बन गए सर। सिर्फ एक बार आपको डायमंड लेवल लेना है, एक बार आपको डायमंड लेवल लेना है, अपने खानदान का टाटा बिरला बन जाएंगे। उसके लिए आप लोग प्री प्लानिंग करें। आप सभी के सभी आप सोचिए, जितने लोग कम से कम लाखों सेवा लोग जुड़े हैं, अगर हर एक लोग महीना का 1-2 लाख कमाए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर माहौल बन जाएगा। माहौल, लोग एक ही बात बोलेंगे कि बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और रॉयल हेल्थ इंडिया में ज्वाइनिंग कराओ, क्योंकि वहां पे अच्छे अच्छे लोग पैसा कमा रहे हैं, नए नए लोग पैसा कमा रहे हैं, नया नया लड़का 4-व्हीलर पे घूम रहा है। सोचिए कितना बड़ा, कितना बड़ा मिशन हो जाएगा, कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी, कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा साथियों, एक मैं अभी लगभग घाटशिला के अंदर था तो मैं ये बात बोला था, अचानक मेरे अंदर एक बात आई और मैं ये बात बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक फिल्म आई थी, एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान के अंदर, गब्बर इज बैक, देखें आप सभी के सभी लोग, कितने लोग गब्बर इज बैक, हम थोड़ा देख ले, कितने लोग गब्बर इज बैक, जो अक्षय कुमार है उनका फिल्म देखे, क्या बात है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अगर आप नहीं देखे हैं ना तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उस फिल्म में बहुत अच्छा कहानी है सर। गब्बर इज बैक में ना बहुत अच्छा सीख मिल रहा है कि एक अंत में जो 5 मिनट का जो बहुत अच्छा मोटिवेशनल बात है, उसी से फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई गब्बर इज बैक। एक बात बोला है अक्षय कुमार उसमें कि कौन है गब्बर। हेलो, सब लोगों की आवाज मिल रही है, ये बहुत अच्छा, आपको कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, मिल रही है। तो उसमें जब गाड़ी पे चढ़ता है, जब गब्बर नहीं पकड़ा रहा है तो उसमें एक बात बोला जा रहा है कि गब्बर पकड़ाएगा तब कब, तो एक प्रशासन में एक स्टाफ रहता है, वो बेचारे बहुत लो पद पे रहता है, वो बोलता है सर गब्बर को पकड़ने के लिए गब्बर की तरह सोचना पड़ेगा, गब्बर कोई गलत काम नहीं कर रहा है, गब्बर अच्छा काम कर रहे, लेकिन उसको पकड़ने के लिए गब्बर की तरह सोचना पड़ेगा। इससे यह मालूम होता है कि अगर आपको डायमंड बनना है, आपको क्राउन बनना है, RHI ब्रांड बनना है, तो आपको RHI ब्रांड की तरह सोचना पड़ेगा। तो पहले सोच की बात आ गई। दूसरा, इस फिल्म से सीख यह मिल रहा है कि कौन है गब्बर। तो इसमें बात क्या आ रही है कि कौन है गब्बर, जो अच्छी सोच रखता हो वह है गब्बर, जो अच्छा सोच रखता है वह है गब्बर, जो अपना आर्थिक स्थिति सुधार ले वह है गब्बर, जो देश के लिए कुछ कर गुजर जाए वह है गब्बर, जो अपने घर परिवार को अच्छा से सेटलमेंट करे वह है गब्बर। यानी कि जो कामयाब, कोई भी नाकामयाब इंसान हो, कोई भी नाकामयाब इंसान हो, उसको पकड़ पकड़ के कामयाब कर दे, यानी जो आपके डाउनलाइन हैं, यहाँ पे बहुत लोग ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो कि हर लोग अपलाइन डाउनलाइन है, तो जो लोग अपने अपने लोगों को, निकटतम लोगों को कामयाब कर दे वह है गब्बर। यानी कि बात यही है साथियों कि कौन है गब्बर। तो एक ही बात याद रखिए, मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूं कि आप कौन है गब्बर, तो उस समय बोला लोग मैं हूं गब्बर। उस फिल्म का बहुत अच्छा एक
रोल है कि कौन है गब्बर जो अच्छी सोचता हो, जो उस ऊंचाई के लिए कुछ करता हो, जो अपने आप के लिए करता हो। तो मेरा भी आपसे सवाल है, कौन है गब्बर? तो मैं हूं गब्बर। हेलो, कौन है गब्बर? तो मैं हूं गब्बर। कौन है कंपनी का डायमंड? मैं हूं कंपनी का डायमंड। कौन है आरएचआई ब्रांड? मैं हूं आरएचआई ब्रांड। कौन है आरएचआई ब्रांड? मैं हूं आरएचआई ब्रांड। ये जिस दिन आपकी सोच आ गई, जिस दिन आपकी सोच आ गई, मैं हकीकत बता रहा हूं, आप बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे। आप सभी के सभी लोग बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे। मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कोई इंडिया का अंबानी नहीं हूं कि मैं आपको इंडिया का अंबानी बनाऊंगा। मैं कोई इंडिया का अंबानी नहीं हूं कि मैं आपको इंडिया का अंबानी बनाऊंगा या बनाने आया हूं। लेकिन मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर आप सभी के सभी लोग इस कंपनी के अंदर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल गुजार दीजिए तो आपको अपने गांव का अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। पहले आप अपने गांव का अंबानी बनिए, पहले आप अपने गांव का अंबानी बनिए। मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सकता है, अगर कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकता है, अगर कोई पढ़ लिख कर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जा सकता है, बन सकता है, अगर कोई पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस बन सकता है, अगर कोई पढ़ लिख कर नीट एनडीए वगैरह बहुत सारी बाहर में डिग्री है अगर बन सकता है, तो सर आप भी यहां पर सीखकर, समझकर, अपने अपने अप्लायंस की बातों को मानकर आप भी यहां का आरएचआई का ब्रांड बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे अंदर प्री प्लानिंग होगी, हमारे अंदर शक्ति होगी, हमारे अंदर सोच होगी। आज मैं सोच के ऊपर बात करता हूं, ये आपके बहुत लोग जानते भी हैं। ताजमहल कहां बना है, समझिए, ताजमहल कहां बना है? आगरा में है, आगरा में है। लेकिन आगरा से पहले कहां था? आगरा से पहले कहां था? आगरा से पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी किसी इंसान की सोच में बना। जब सोच में बना, धीरे धीरे डुप्लीकेट करके वो ताजमहल यूपी के आगरा में स्थापित हो गया। दूसरा, आज अभी बहुत एक और एग्जाम्पल है यूपी के अंदर, यूपी के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। कहीं ना कहीं किसी के सोच में आया कि मुझे राम मंदिर बनवाना है, आज बन रहा है। ठीक उसी प्रकार कुतुब मीनार को कोई सोचा होगा, आज कुतुब मीनार बना। मेरे साथियों, मैं जो बातें कह रहा हूं समझिए, मैं जो बातें कह रहा हूं समझिए, सोच बहुत बड़ा काम करता है। जिस दिन आप सोच लीजिएगा कि मुझे आरएचआई का डायमंड बनना है, जिस दिन आप सोच लीजिएगा कि मुझे आरएचआई का क्राउन बनना है, प्राकृतिक उस हिसाब से आपको धीरे 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 डेवलपमेंट करती चली जाएगी और आप एक दिन बन के तैयार हो जाइएगा। इस दुनिया में सबसे जो बड़ा चीज है ना, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा चीज है ना, वह है इंसान की सोच। इस दुनिया में अगर आपको किसी से लड़ना है ना, तो अपने आप और अपने थिंक से लड़िए, अपने थॉट से लड़िए। जो अपने सोच को बड़ा कर लिया, वो जिंदगी में सक्सेस हो गया। जो इंसान अपने सोच को बड़ा नहीं किया, फिर वो सक्सेस नहीं होगा, फिर उनकी जिंदगी कमाते खाते चल जाएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं जूम के अंदर, यूट्यूब लाइव के अंदर, लगभग लगभग लाखों लोग जुड़े हुए, आप सभी लोगों से यही काइंडली रिक्वेस्ट है कि अपने सोच को बड़ा करिए, अपने सोच को बड़ा करिए, अपने अपने अपलाइंस के साथ लग जाइए, अपलाइंस के साथ
तालमेल बनाइए और तालमेल बनाकर अपने लेवल्स को फाइट करिए। लेवल लेने में कोई कंजूसी मत करिए। जी हाँ, लेवल लेने में कोई कंजूसी मत करिए। लेवल लेने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लेवल आप लीजिए, लेवल लेना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि मैं आपको एक पंक्ति सुना रहा हूं कि समझिए, आज यहां पे रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर जल्द से जल्द लोग कैसे कामयाब हो जा रहे हैं, रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर इतने अचीवर कैसे बन रहे हैं, रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर कम टाइम में इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे हो रहा है, रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर बहुत कम टाइम में आज 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 8-8 लाख रुपया नया नया लोग कैसे कमा रहे, उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि जहां पे आप आए हैं ना, आपकी जिंदगी का ठिकाना आपके अपलाइन लोग लेके चले हैं। कहा जाता है साथियों कि घूमती है दुनिया, घुमाने वाला चाहिए। समझिएगा, घूमती है दुनिया, घुमाने वाला चाहिए। बदलती है दुनिया, बदलने वाला चाहिए। बदलती है दुनिया, बदलने वाला चाहिए। घूमती है दुनिया, घुमाने वाला चाहिए। अरे बनते हैं लोग रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर डायमंड, बनाने वाला चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखिए, यहां पे आपको बनाने वाले बहुत लोग हैं। ये RHI कोई कंपनी नहीं है, यह एक क्रांति है और यह एक परिवार है जी। क्या है? परिवार। इसलिए मैं बोलता हूं कि परिवार मात्र बीबी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार मात्र बीबी और बच्चों का नाम नहीं होता। ये नहीं कि हम बहुत अच्छा नौकरी कर लिए, छोटा सा बिजनेस कर लिए, मेरी शादी हो गई, 2 बाल पुत्र हो गए, आराम से जिंदगी जी रहे हैं, खा रहे हैं, एक गाड़ी ले लिए, 10-20 लाख का गाड़ी ले लिए, आराम से घूम रहे हैं, यार टट्टा बाय बाय, टट्टा बाय बाय कर रहे हैं। ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं। ये जिंदगी जानवर भी काट लेता है, उसको भी खाना पीना मिल जाता है। अगर आप जिंदगी में पैदा हुए हैं तो जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं, जीतने के लिए। ये सोच रखिए आप सभी के सभी लोग, जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। अगर एक बार जिंदगी मिली है ना सर, इतने इतने इस जिंदगी को इतना अपने सोच के साथ, वो मतलब अर्श से अर्श तक इतने बड़े दूर तक लेके जाइए, इतने बड़े दूर तक लेके जाइए कि लोग कहें। तो इसलिए मैं आपके लिए एक पंक्ति सुना रहा हूं कि परिवार मात्र बीबी और बच्चों का नाम नहीं होता, परिवार कोई अलगाव भरा पैगाम नहीं होता। परिवार मात्र बीबी और बच्चों का नाम नहीं होता, परिवार के भी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी छोटा नहीं करते। परिवार सादा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, परिवार सादा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं और बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। बीच भंवर में नाव फंसे, अगर आपकी कोई भी परेशानी कुछ भी होती है, आपको अपलाइन रात दिन सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं, आपके सीनियर्स रात दिन सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं, आपके कुछ भी होता है रात दिन लोग लग जाते हैं। तो यही कहा जाता है कि परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं और बीच भंवर में नाव फंसे तो, समझिए कि बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं, क्योंकि परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। अगला कड़ी सुनिएगा, बहुत कमाल की कड़ी है, शायद आपके जिंदगी में लग जाए। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। आज RHI के अंदर लोग इतिहास रचा रहे हैं या नहीं रचा रहे हैं, आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए। आज लोग बाइक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, फोर व्हीलर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आज महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 18 लाख कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं।
आज लोग आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, आज लोग, मेरा सवाल, आज लोग बढ़ रहे हैं ना, तो मैं एक ही बात बोल रही, बढ़ने का मेन रीजन क्या है? यूनिटी, यूनिटी। तो कहा जाता है, अगला पंक्ति सुन लीजिएगा, कि परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, अपने सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले। आज आरएचआई के अंदर लड़का तो टीम आगे ग्रोथ कर ही रहा है, जेंट्स टीम दिन प्रतिदिन तरक्की कर ही रही है, लेकिन आज के डेट में लड़की लोग भी कम नहीं है मेरे साथियों। ये लोग भी एक एक लाख, दो दो लाख, चार चार लाख रुपया मंथली खूब कमा रहा है लोग। तो समझिए, परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। अरे परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। तो मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं, समझिए कि यह परिवार है, रॉयल हेल्थ इंडिया एक परिवार है। इस परिवार में अगर आप शामिल हो गए तो आप पहले क्या थे, नहीं थे, ये मुझे ना मालूम। पहले आप स्टूडेंट थे या आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम कर रहे थे, ये मुझे ना मालूम जी। आप सब्जी बेच रहे थे कि ठेला चला रहे थे, गुलगप्पा बेच रहे थे, किराने की दुकान में थे या कहां थे, ये मुझे ना मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप जहां भी थे और अपने वहां से छोड़कर अगर आप इस फील्ड में हैं, तो मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं कि मैं आपको अमिताभ बच्चन बनाऊंगा। मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं कि मैं आपको शाहरुख खान बनाऊंगा। मैं कोई अक्षय कुमार नहीं हूं कि आपको अक्षय कुमार बनने का सपना दिखाऊंगा। लेकिन मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं इस फील्ड का खिलाड़ी हूं। ना चाह कर भी आपको एक एक लोगों को, हर एक लोगों को रॉयल हेल्थ इंडिया का ब्रांड बना के रखूंगा, 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 रखूंगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। एक एक लोगों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एक लोगों को कामयाबी दिलाने की गारंटी ये मेरा रहा। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि आज इंडिया के अंदर, आज हिंदुस्तान के अंदर एक 26 साल का लड़का अगर पूजा करके इंडिया की टीम में, आज पूजा करके धीरेंद्र शास्त्री और उनकी टीम इंडिया में नंबर वन पे जा सकती है, आज क्रिकेट की दुनिया में महेंद्र सिंह और उनकी टीम नंबर वन पे जा सकती है, पॉलिटिक्स की दुनिया में श्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम नंबर वन पे जा सकती है, तो मेरे साथियों, यह डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अमरेंद्र और अमरेंद्र अब टीम भी नंबर वन पे जाएगी, 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 ये मेरा दावा है। तो आप सभी के सभी लोग लगिए, आप सभी के सभी लोग लगिए, क्योंकि यहाँ के कैप्टन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कप्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है, कप्तान के साथी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखिएगा मिस्टर नसरुद्दीन सर को, आप देखिएगा मुकेश सर को, आप देखिएगा ओम बाबू सर को, आप देखिए मिस्टर रियाज खान सर को, आप देखिए सोनू सर को, ऐसे बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। आप देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं, सब फ्रेंचाइजी लोगों को देखिए, बीसी टीम लोगों को देखिए, कितने स्ट्रॉन्ग हैं सभी के सभी सीनियर लोग। आपके ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द तरक्की कर लीजिए। कहा जाता है मेरे साथियों, आप सभी के सभी लोगों का राजा स्ट्रॉन्ग है, और जिस खेल का राजा, जिस क्रिकेट का कप्तान स्ट्रांग हो, वो टीम जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी।
तो आपके जितने भी राजा है ना, सबके सब मां कसम बता रहे हैं, स्ट्रांग है स्ट्रांग। रात दिन लोग मीटिंग्स करते हैं, रात दिन लोग सेशंस करते हैं, रात दिन लोग ए टू जेड लगे हुए हैं लोग कि सर लोगों की प्रमोशन हो, लोगों की प्रमोशन हो, लोगों की प्रमोशन है, लोग पैसा कमाए, लोग पैसा कमाए, लोग पैसा कमाए। तो ये सारे सोच विचार के साथ लोग लगा हुआ है। तो आप सभी के सभी लोग लग जाइए इस रास्ते में, आप लगिए इस रास्ते में। थोड़ी मोड़ी दिक्कत परेशानी आएंगी, लेकिन जब बड़ा काम करना है तो सारे दिक्कत परेशानी को छोड़ते हुए आगे बढ़िए। जैसे ठंड का महीना है, ठंडा लगेगा, गर्मी आएगी तो गर्मी लगेगी, बरसात आएगा तो बरसात लगेगा। सर कब तक भागिएगा? ठंडा के दिन में कब तक? बहुत ठंड लग रही है, कब तक? जिंदगी में अगर कुछ करना है तो ये मौसम की वादियां छोड़ें। जिंदगी में कुछ करना है तो आप जो काम को कर रहे हैं, दो चार लोग ऐसे भी मिलेंगे काम ठीक नहीं है यार, ये नहीं है, ये सारा चीज हटाएं और एक मकसद पे बन जाएं, एक यूनिटी बनाएं कि मुझे काम करना है। आप ही बताइए, कहा जाता है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आज महात्मा गांधी LLB करके जब आ रहे थे इंडिया के अंदर, तो इंडिया में अंग्रेजों ने जब ट्रेन पिक का सफर कर रहे थे, लॉ की पढ़ाई करके आए थे, तो अंग्रेजों ने ट्रेन से लात मार के बाहर कर दिया। महात्मा गांधी माना नहीं, ठान लिया कि वो अंग्रेज लोग आज मेरे ही इंडिया के अंदर तू हमको ट्रेन से बाहर कर रहा है, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हम तुमको इंडिया से बाहर करेंगे, इंडिया से बाहर करेंगे। तो जिंदगी में एक ही बात याद रखिए, मानने से कामयाबी नहीं मिलती, ठानने से कामयाबी मिलती है। बहुत जगह मीटिंग में एक बात चलता है, गया के रहने वाले हैं दशरथ मांझी, इनके ऊपर फिल्म भी बन गया है कि का पता भगवान मेरे भरोसे बैठे हो। हेलो, ये भी बंदा देख लिया था कि देखते हैं तेरे में अकड़ कितना है। किस लिए? उनकी बीबी जब डेट कर गई तो बोले कि ये डेट करने का कारण किया, तो कारण यही जाने कि साला पहाड़ बीच में नहीं रहता तो मेरी बीबी टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाती, इलाज हो जाता, और इलाज होने के बाद मेरी पत्नी जी जाती। लेकिन बीच में कारण क्या पैदा हुआ? पहाड़। कारण पे ही काम किए, बोले कि अब देखते हैं तेरे में अकर कितना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो, एक ऐसा ऐसा इंसान है जो देखो, लोग जब वो छेनी और हथौड़ा लेके चले, लोग पागल बोले, पागल है, सही नहीं, पागल हो चुका है, पागल हो चुका है, ये बताओ इसको कोई काम नहीं है, छेनी हथौड़ी का मार कर मार रहा है, खाली पत्थर तोड़ता है। लेकिन आज वो छेनी हथौड़ी की मार लगातार 20 साल मारते रहा, पहाड़ को रास्ता देना पड़ा कि यार तू ही सक्सेस है, हम सक्सेस नहीं है। तो कहा जाता है मेरे साथियों, कारण कामयाब होने के लिए एक और पॉइंट जान लीजिए, आपके अंदर कॉज कारण का होना बहुत जरूरी है। जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, आपके अंदर कारण होनी चाहिए कि हम RHI में ही काम क्यों करें, हम रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर ही काम क्यों करें। मेरे बात को लगभग लगभग पूरे हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, समझना। आप जितने भी लोग हो, वो लोग हो जो बाहर में, हर लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर लोग यहाँ पे बैठे, हर इंसान महीना का 10,000, 12,000, 15,000 और 20,000 रुपया कमा सकता है। यहाँ पे बैठे हर इंसान महीना का 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 कमा सकता है।
लेकिन मेरा अगला सवाल है कि अगर आपका महीने का इनकम 20,000 रुपया का है तो साल का इनकम होगा 2,40,000। जा करके अभी आपकी उम्र हो गया 18 साल, कोई 20 साल होंगे, कोई 22 साल होंगे, कोई 25 साल होंगे, आप जा करके 30 साल ही काम करेंगे, हो जाएंगे 55 साल, रिटायर हो जाएंगे, तो 30 साल और गुना 2,40,000 पूरे जिंदगी में कमाएंगे आप 72 लाख रुपया, 72 लाख। यहाँ पे जितने लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझना, आप पूरे जिंदगी में कमाओगे 72 लाख, यानी 72 लाख रुपया कमाओगे, और उसी 72 लाख रुपया में आपको सारा मेंटेन करना है। आपके बाद शादी होंगे, आपके बाल पुत्र होंगे, आपकी बीबी आएंगी, आपके हर काम उसी 72 लाख रुपया में निपटेगा, चाहे आपकी लड़की का कॉलेज फी, स्कूल फी, लड़का का कॉलेज फी, स्कूल फी, ट्यूशन फी, सारा जब मेंटेन करके कल के डेट में बुढ़े हो जाओगे कितना पैसा बचाओ। मैं मानता हूं कि आप 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपया बचा ही लेंगे तो सर कौन सी गाड़ी आ जाएगी, यही तो लोग जिंदगी जी रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, समझना मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। आज की कहानी क्या है कि लोग 40 साल 50 साल तक पूरा पैसा कमाता है और 50 साल के बाद बीमार पड़ जाता है और जितना पैसा कमाता है फिर बीमारी में लगा देता है और लगाने के बाद अंत में एक ही कहानी आती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जिंदगी की हकीकत कहानी यही है। तो मैं अगला पॉइंट पे आना चाहूंगा मेरे साथी कि जो आप 40 साल 50 साल और 60 साल में जो काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ तो सिर्फ कारण ढूंढिए, कारण कामयाबी का कारण ढूंढिए। कारण ये हो सकता है कि मेरे पापा के पास अच्छा घर नहीं है, मेरा खुद का घर अच्छा नहीं है, मेरे घर में हर चलन साल सुबह अच्छा नहीं है, मेरे घर में बाइक नहीं है, मेरे घर में फोर व्हीलर नहीं है, मेरे घर के लोग अच्छे से जिंदगी नहीं जीते हैं, मेरे पास बिघा जमीन नहीं है, मेरे पास कोई 5 स्टार होटल नहीं है, मेरे पास परिपूर्ण जिंदगी जीने का साधन चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। अगर यह कारण आपके दिमाग में हिट करेगा कि मेरे मम्मी मेरे पापा बहुत पुअर पर्सन हैं, और ये जब कारण आपको हिट करेगा तो आप सक्सेस हो जाइए, ये मेरी दवा है। कारण होनी चाहिए आपके अंदर, कारण होनी चाहिए। कामयाब होने के लिए कारण का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कारण नहीं आएगा मतलब इसके बाद आप सक्सेस की कहानी नहीं होगी, फिर वही जिंदगी जिएंगे कि हम तो चले परदेश और हम देसी हो गए, कहानी वही होगी। तो कारण पैदा करिए, कारण ही इंसान को कामयाब बना सकता है, कारण ही इंसान को कामयाब बना सकता है। तो कारण ढूंढिए, और जब कारण पैदा चल जाए कि मेरे घर में गाड़ी नहीं है, मेरे घर में BMW ऑडी मर्सिडीज नहीं है, मेरे घर में महंगा महंगा मोबाइल नहीं है, मेरे घर में AC फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब नहीं है, मेरे घर के लोग अच्छे डिसिप्लिन में नहीं है, फिर आप उसके अंदर काम करिए। मैं गारंटी देता हूं मेरे साथियों कि जिस दिन आप वर्क करेंगे और जिस दिन आप आगे बढ़ेंगे, आप अगर बढ़िया लेवल पे पहुंच गए, डायमंड बन गए, आप क्राउन बन गए, तो अपने अपने साथ साथ पूरे खानदान की स्थिति आप चेंज कर देंगे, पूरे खानदान की स्थिति चेंज कर देंगे। इसलिए कारण का होना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, हाथ उठा दीजिए, सिर्फ हम समझ जाएंगे कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, गुड, बहुत बहुत बेस्ट। अब तक जो मैंने बातें किया समझ में आया ना, तो एक बात याद रखना, जिस काम को करने चले हैं ना तो एक ही टारगेट, एक ही संकल्प। बहुत लोग कुछ भी बोलेंगे लेकिन अपना संकल्प सही रहना चाहिए, अपना सोच सही रहना चाहिए, अपना विचार सही रहना चाहिए। कहा जाता है कि अभी सूरज नहीं डूबा,
अभी सूरज नहीं डूबा जरा शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, अरे हम लोग खुद बदनाम हो जाएंगे, पहले हम लोगों का नाम तो होने दो। आप जितने भी लोग हैं नाम के पीछे भागिए, नाम के पीछे। कहा जाता है काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, नाम करो ऐसा कि काम बन जाए। और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आपके घर का बड़ा से बड़ा मैटर फंसे, फिर आपके नाम लेते काम बन जाए। ये जिंदगी में करो आप, और वो हो सकता है रॉयल हेल्थ इंडिया से, वो हो सकता है आपको रॉयल हेल्थ इंडिया से। आप लग जाइए एकदम जोश और उमंग के साथ, आप सभी के सभी लोग लग जाइए कि सर कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना, मुझे बेस्ट करना है तो करना है, मुझे डायमंड बनना है तो बनना है, मुझे क्राउन बनना है तो बनना है, मुझे रॉयल हेल्थ इंडिया का ब्रांड बनना है तो बनना है। और आप बनोगे। लास्टली बात तीन बजने वाला है, मैं आपको एक बात बता दूं, आप उस जगह पे आए हैं, वहां पे आए हैं जहां पे हर लोग सक्सेस हैं और सक्सेस की बात करते। आखिर बाहर की दुनिया में लोग इतना जल्द ग्रोथ क्यों नहीं कर, आप ही पे मैं लेता। हमारे हिसाब से ना कामयाब होना एक माहौल पे डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से अगर मैं अभी तक लगभग जो मैं एक्सपीरियंस किया हूं अपने जिंदगी के अंदर, कि कामयाबी जो है ना ये माहौल पे डिपेंड है। आपके गांव में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके सिटी में, जहां आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां अपने सुबह उठ के फ्रेश होकर जिन जिन लोगों से मिलते हैं, अगर आपके अगल बगल के लोग, आपके गांव के लोग, आपके पटीदार के लोग महीने का 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया कमा रहे हैं, तो चाह कर भी आप महीना का लाख रुपया नहीं कमाओगे। मेरा जहां तक अनुभव कह रहा है, समझना बात, ये जो कामयाबी है ना सर, माहौल पे टिकी हुई है। आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, अगर वो महीने का 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, गांव में बहुत लोग मोबाइल का दुकान खोला, कोई कपड़ा का दुकान खोला, कोई होटल का खोला, कोई भूजा बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई आलू टमाटर बैगन बेच रहा है, तो कोई दिल्ली गया, तो कोई पंजाब गया, तो कोई हरियाणा गया, तो कोई चंडीगढ़ गया, तो कोई हैदराबाद गया, तो कोई पोकलन चला रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भी यही सब काम है। तो मेरा जो थिंक कहता है, सोचने का जो मैं अनुभव किया, कि जो लोग वही लोग सक्सेस है ना, जो लोग थोड़ा सा बदलाव की, अपना रहने सहने का तरीका को चेंज की, यानी कि आप अगर उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों के बीच हैं जो महीना का 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 कमा रहा है, तो चाह के भी लिख लो, आप भी महीना का 15,000 ही 20,000 में जिंदगी सलट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लोग बाहर की दुनिया में, गांव की दुनिया में लोग क्यों बोलता है कि लड़का पढ़े तो पढ़ाओ, नहीं तो शहर में बसा दो। अगर आपका लड़का, आपका बच्चा पढ़े तो पढ़ा लीजिए, नहीं तो शहर में बसा लीजिए। शहर का मतलब क्या हुआ कि शहर के लोगों का सोसाइटी अलग है, कल्चर अलग है, वातावरण अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। शहर में कोई झगड़ा झंझट नहीं है, शहर में एक दूसरे के चक्कर में कोई नहीं है, हर लोग अपना अपना ड्यूटी में, हर लोग अपना अपना काम में बिजी रहता है। तो आप उन लोगों के साथ रहिए 5 साल जो महीना का 10,000, 12,000, 15,000 कमाता है, छठा साल में आप 20,000 कमाइएगा, उससे ज्यादा नहीं कमाइएगा, लेकिन 5 साल उन लोगों के साथ में रहिए, उस संगत में रहिए, उस वातावरण में रहिए, उस माहौल में रहिए, करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको रहना। जो महीना का 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 8,00,000 बड़ी बड़ी बातें करता हो, बड़ी बड़ी सोच रखता हो, हमेशा पॉजिटिव रहता हो, आप ज्यादा नहीं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल खाली रहिए ना,
मैं गारंटी ठोक के कहता हूँ मेरे साथी कि आप भी वैसा बन जाएंगे जिस प्रकार वो महीना का 1 लाख 2 लाख 4 लाख कमा रहे हैं, आप भी आने वाले टाइम में महीना का 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया कमाने वाले बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। ये माहौल पे डिपेंड करता है, ये माहौल पे डिपेंड करता है। मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, आज जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, क्या डायरेक्ट सीएम बने? नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी सीएम के साथ रहे ना हो, समझिए, डायरेक्ट तो बंदा सीएम नहीं बन गया। यानी सीएम बनने से पहले आपको, सीएम का पद लेने से पहले आपको रहना पड़ेगा। आज जो मोदी जी है भारत के प्रधानमंत्री है, क्या मोदी जी डायरेक्ट बन गए? नहीं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहा, सीखा, समझा। आज नीतीश कुमार चाहे पूरे स्टेट के जितने भी सीएम को उठा के देख लीजिए, ये लोग पहले रहे, समझे, सीखे। और जब संगत, कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, कि संगत से गुण जात, आप जैसा संगत करेंगे, एक बहुत अच्छा है कि जैसा पिएंगे पानी वैसा होगा आपकी वाणी, जैसा खाएंगे अन्य वैसा होगा मन्य, जैसा करेंगे आहार वैसा होगा विचार, और जैसा करेंगे संगत वैसे ही हो जाएगी आपकी रंगत। तो संगत जो है ना, कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट करता है आपके अंदर, जिंदगी के अंदर। ये सक्सेस का जो पार्ट है ना, ये संगत पे है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, आप किन के बीच रह रहे हैं, आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन के बीच रह रहे हैं। जब आप वैसा संगत पकड़ेंगे, ऑटोमेटिक आप सक्सेस हो जाएंगे। तो आज के डेट में जो आप लोग सभी के सभी जो लोग हैं और जहां पे आप हैं मेरे साथियों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई लोग ऐसा बोला कि अरे यार बहुत अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तेरा साथ नहीं देंगे, हम तेरे को छोड़ देंगे, हम तेरे प्रमोशन नहीं दिलाएंगे, अभी तक कोई ऐसा आपका अपलाइन बोला कि तेरी प्रमोशन हो जाएगी तो मुझे दुख हो जाएगा, मुझे दर्द हो जाएगा, कोई ऐसा बोला? सर घुमा सकते हैं। कोई ऐसा बोला कि हाँ जी आप प्रमोशन कभी जिंदगी में मत लो, अगर तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तेरे महीना का लाखों लाखों का चेक बन जाएगा तो मेरा दिक्कत हो जाएगा जी, छोड़ दो जी, मजा नहीं है जी, मत कमाओ जी, ऐसा कोई बोला? ऐसा कोई नहीं बोला। बाहर में जाओ ना, अगर एक विधायक का इलेक्शन है, दूसरा विधायक खड़ा हो रहा है तो तुरंत लोग बोलता है खत्म करवा दो, सलाह मेरा एंटी भी खड़ा हो रहा है। अगर एक मुखिया दूसरे मुखिया अगर खड़ा हो रहा है तो लोग बोलते हैं उसको मारो पूरा, क्यों खड़ा होगा? सोचिए, बाहर की दुनिया में अगर एक मैनेजर दूसरा मैनेजर तैयार हो रहा है तो पहले वो मरवाना ही चाहता है, पहले मार दो नहीं तो सलाह हमारा हक ले लेगा। अभी तक जो आपके सीनियर अपलाइन में डायमंड हैं, अगर आपकी प्रमोशन डायमंड हो रही है तो कोई मना किया कि भैया इसका प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, या तू महीना का 50,000 1 लाख 2 लाख ना कमाओ, कोई भी ऐसा बोला? नहीं बोला ना। इससे समझ लीजिए कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, इससे समझ लीजिए मेरा फ्यूचर सिक्योर है। और रात दिन दिल लगा के काम करी आरएचआई के अंदर, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि अगर आप सही तरीका से काम किए, अगर आप सही तरीका से लेबल लेने में फाइट किए, तो जो आप 40 साल 50 साल होने के बाद जो आप क्रेटा मेंटेन करेंगे, ब्रेजा मेंटेन करेंगे, किया मेंटेन करेंगे, जो आप 40 साल के बाद ब्लेनो मेंटेन करेंगे, सफारी मेंटेन करेंगे, हैरियर मेंटेन करेंगे, वो मैं आप सभी लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 2 साल के अंदर अंदर ये 10 लाख 15 लाख और 20 लाख की गाड़ी मेंटेन करवाने का जिम्मा मेरा रहा मेरे साथियों। हम आपको 2 साल के अंदर अंदर ये सारा का सारा गाड़ी मेंटेन करवा देंगे, सिर्फ आप अपने अपने अपलायंस की बातों को फ्लो करिए। दूसरी बात, अगर आप लगातार 5 साल मेहनत कर दिए तो क्या होगा?
तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि अगर आप सभी के सभी लोग दिल लगाकर पूरे जोश और होश में अगर काम किए तो 5 साल के बाद आपके घर के आगे BMW, ऑडी और मर्सिडीज खड़ा मिलेगा सर। ये मेरी दवा है, ये मेरा दावा है। आपके 5 साल अगर सही तरीका से मेहनत कर दिए तो आप BMW, ऑडी और मर्सिडीज का मालिक बन जाएंगे। दोनों हाथ में लड्डू है, सोचना आपको है, सोचना आपको है, क्योंकि आज रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर ना एक से एक गाड़ी निकल रहे हैं। आज अगले हर 3 दिन के अंदर एक फोर व्हीलर, हर तीन दिन के अंदर एक फोर व्हीलर, पर डे बाइक की लाइन लगी है, पर डे बाइक 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 बाइक, पर डे महंगा महंगा मोबाइल जिसकी कीमत 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख रुपया का मोबाइल। सोचिए ना, सोचिए। आज अगर हम भी इंजीनियरिंग थे सर, अगर मैं इंजीनियर रहता तो मैं भी 10-20 हजार का सेट चलाता। आप समझिए, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं। जितने भी लोग रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर जितने भी टॉप लेवल पे गए, जो लोग भी आगे बढ़े, आप देखिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप सभी लोगों को कि लग जाइए और इस काम को छोटा समझ के काम नहीं करना। ना 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 ना, ना कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी छोटा समझ के काम मत करिए। क्योंकि मुझे पता है कि आज इस हिंदुस्तान के अंदर, एक मोची अगर जूता सीसी के और चप्पल सीसी के, समझना, आज इस हिंदुस्तान के अंदर अगर एक मोची जूता सीसी के और चप्पल सीसी के अगर बाटा कंपनी का मालिक बन सकता है, लिबर्टी कंपनी का मालिक बन सकता है, मोची कंपनी का मालिक बन सकता है, वुडलैंड कंपनी का मालिक बन सकता है, एक लोहार लोहा बेचकर, फिर से समझिए, एक लोहार लोहा बेचकर अगर टाटा कंपनी का मालिक बन सकता है, एक चाय बेचने वाला इंसान चाय बेचकर अगर MBA चाय वाला बन सकता है, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ 35 रुपया का सिम कार्ड बेचकर अगर भारत का अंबानी बन सकता है, तो सर इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कोई काम को छोटा मन समझ मेरे भाई। आप बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे, छोटा नहीं समझना है, आप वह मेरे ब्रांड हो, कहा जाता है कि अगर वसूलों पे आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है मेरे साथियों। क्योंकि आज पूरे भारत को, आज पूरे हिंदुस्तान को नौकरी मांगने वाले से ज्यादा नौकरी देने वाले की जरूरत है, और आप मेरे वह इंसान हो कि नौकरी नहीं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस ऑफर कर रहे हो, बिजनेस दे रहे हो। अगर वो लड़का चाहे तो महीने का 10,000 कमाए, और अगर वो लड़का चाहे तो महीना का लाखों लाख रुपया कमा सकता है। तो इसके लिए आप छोटा मन समझना कभी कि सर ये छोटा छोटा काम है, नहीं, बहुत बड़ा काम है, आज सोशल मीडिया पे जाओ, देखो हर जगह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप बहुत खुशी की बात है कि भगवान ने आपकी बातों को सुन लिया। कहा जाता है कि जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। आपके भाग्य में था यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, इसलिए आपके पास आया हुआ है, ये मौका है, और मौका पे चौका लगाने की जरूरत सिर्फ आपको है, आप लगाइए। हम सभी के सभी लोग साथ हैं, हम सभी के सभी लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे साथियों, जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा आप सभी लोगों से, ये लास्ट महीना चल रहा है, सबसे पहले आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2024, हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को, नए साल की ढेर सारे शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे RHI परिवार की तरफ से। हेलो, मेरे और मेरे पूरे
RHI परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे टीम को, आपके पूरे घर के लोगों को, पूरे लोगों को, आपसे जुड़े हुए हर एक लोगों को, मेरे और मेरे पूरे टीम की तरफ से आपके और आपके पूरे टीम को नए सालों की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको वो तरक्की दे कि नए 2024 के अंदर अंदर सभी के सभी लोग डायमंड बन के खड़ा हो जाएं, और ये जो अभी अभी जो महीना दिसंबर चल रहा है, जितने लोग स्टार हैं वो जल्द से जल्द गोल्ड बने, जितने लोग गोल्ड हैं वो जल्द से जल्द प्लेटिनम बने, जो प्लेटिनम है वो रूबी बने, जो रूबी है वो डायमंड बने, जो डायमंड है वो क्राउन बने, यही उम्मीद हम आप सभी से करते हैं। और जाते जाते सभी लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आज के बाद अगर कोई पूछे कि क्या करते हो तुम, तो उनको सही से जवाब देना कि मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता है, मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिय परिंदों को बाज बनाता हूं। क्योंकि यहां पे जितने भी लोग हैं ना सर, सब नौसिखिया लोग हैं, सब लोग बहुत बड़े लेवल पे हैं, तो मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिय परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, और मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं, डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे कोई भी चांद पर बुर्ज खलीफा, समझिएगा, बनाए चाहे कोई भी चांद पर बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं, कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। बाकी थैंक यू साथियों, आप मेरे लिए सब के सब लोग बहुत बाहुबली हैं। हम एक ही बात जानते हैं कि आने वाले टाइम के सब लोग अमरेंद्र बाहुबली हो, ये मेरी दावा है। आने वाले टाइम के अगर आप अच्छी तरीका से सोच रखे, अच्छी तरीका से अगर आप चले, तो आने वाले टाइम को आप ओम बाबू हो, मुकेश सर हो, नसीर सर हो, रियाज सर हो, सोनू सर हो, इसी के साथ मैं अपने मीटिंग को बेंड अप देता हूं। सभी लोगों को लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं, थैंक यू जी, जय RHI। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार रहा। आज हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं इस मीटिंग के बारे में मैं क्या क्या आपको बताऊं, लेकिन जो आज मीटिंग सर ने बताए, सर का जो संदेश रहा हम सब के बीच में, सर की जो शब्द रहा हम सब की लाइफ को बदलने वाली, यकीनन अगर हमने उस पे 4 दिन जमकर मेहनत कर ली है तो हम सब की लेवल बदलने वाला है, और रॉयल हेल्थ इंडिया में हम सब लोग नया रिकॉर्ड खड़ा करने वाले हैं। दोस्तों हम सब लग जाइए पूरे जोश एनर्जी में, 2023 को रिकॉर्ड ब्रेक ऐतिहासिक बनाना है, और हर डिस्ट्रीब्यूटर को और अपनी अपनी प्रमोशन लेकर दिखाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सबको एक ही, बस एक ही सोच, प्रमोशन 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 प्रमोशन, एक ही सोच, बस प्रमोशन पे काम करना है और रॉयल हेल्थ इंडिया में एक नया रिकॉर्ड बनाना। दोस्तों सर ने मैसेज दिए कि 2025 तक 2024 तक हम रॉयल हेल्थ इंडिया को इतनी बड़ी लेवल पे हम